हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग। ये तो हो गई डेफिनेशन। समझने के लिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कुत्ता हो, डॉग, चाहे कैट हो, चाहे पैरट हो, चाहे ह्यूमंस हो, उनसे सेम टू सेम, उनके जैसे ही दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स का बनना, सेम स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल का बनना, यानी अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी कोई भी, जैसे डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, ह्यूमंस हो सकता है, उनसे छोटे और नए इंडिविजुअल्स का बनना, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, जो अभी पैदा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में उसे ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यही है रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सिंगल इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है और दो इंडिविजुअल मिलके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है और दो इंडिविजुअल मिलके भी ये काम कर सकते हैं। अगर सिंगल इंडिविजुअल ये काम करता है, अकेले ये काम करता है, तो उसे हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो इंडिविजुअल मिल के एक साथ तब ये काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के समय में होता क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो अगर कोई सेल है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम में अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन होगा। क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड के नेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और इनका अगर एक थ्रेड, इस नेट में से एक थ्रेड निकाल के देखें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियस, ये क्या था, ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को खोल के हमने अगर देखा, तो उसमें हमें दिखा क्रोमैटिन। क्या दिखा, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को भी एक थ्रेड निकाल के देखा, तो क्या मिला इसमें, डीएनए मिला। ठीक, अब जब एक इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, तो यही क्रोमोसोम होता है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, यही क्रोमोसोम होता है जो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन यानी हर एक पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होता रहता है, माँ बाप से बच्चों में जाता है और बच्चों से उनके बच्चों में जाता है। तो फाइनली आखिर इसके ट्रांसफ़र होने का, जनरेशन टू जनरेशन इसके ट्रांसफ़र होने का क्या कारण है, ऐसा क्या ज़रूरी होता है, ये अब हम समझा देते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही होता है डीएनए,
क्रोमोसोम के अंदर होता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के अंदर होता है डीएनए। तो इससे क्या होता है, डीएनए ही हर एक चीज़ सेल के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म फाइनली कैसा बनेगा, ये चीज़ डीएनए बनाता है, ये चीज़ डीएनए करवाता है। तो अगर यहाँ एक कैट है, अगर एक कैट है, तो इस कैट का जो बेबी होगा, इस कैट का जो बच्चा होगा, वो भी कैट ही होगा। ये बात कैसे डिसाइड की जाती है कि जो बेबी होगा उसकी भी पूंछ होगी, मूछें होंगी, आईज होंगी, ऊपर इस तरह से ईयर होंगे, ये सारा सारा का सारा डेटा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन किस में होता है, डीएनए में। और ये कैसे काम करवाता है, इसका एक छोटा सा प्रोसेस आप लोगों को समझना है। जो डीएनए होता है, डीएनए ही एक प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू बनाता है आरएनए, एमआरएनए बनाता है। तो डीएनए से क्या बन गया, आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन के बाद बनाता है प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन आगे जाके फंक्शन करवाता है। क्या करवाता है, फंक्शन, यही प्रोटीन फंक्शन करवाता है। जैसे अगर इस कैट में हमें मूछें बनानी है, तो मूछें बनाने वाली प्रोटीन बनेगा डीएनए से आरएनए, और फिर मूछें बनाने वाली प्रोटीन। टेल बनानी है, तो यही डीएनए में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हर एक काम के लिए अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनती है, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा वो काम करवाएगा। तो यही डीएनए होता है जो सारा डेटा स्टोर करता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और सिमिलर इंडिविजुअल्स बनवाता है। सिमिलर यानी उसी के जैसे दिखने वाले सिमिलर इंडिविजुअल्स बनवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि डीएनए होता है, ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन। हमेशा जब भी सेल को डिवाइड करना होगा, जैसे छोटे कैट से बड़ा कैट बनना है, तो सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और जब भी सेल का डिवीज़न होता है, तो इसी तरीके से अगर इस सेल से दो सेल बनेंगी, तो दोनों सेल में डीएनए जाएगा। तो इस तरह से अगर डीएनए डिवाइड होता रहेगा, तो डीएनए तो ख़त्म हो जाएगा फाइनली। ऐसा नहीं होता है, सेल डिवीज़न के समय में डीएनए कम नहीं होता है जनरली, जो कि माइटोसिस है उसके समय जनरली डीएनए कम नहीं होता है। क्यों कम नहीं होता है, कि अगर इसमें जितना डीएनए है, अगर इतना डीएनए है इसमें, तो जब सेल का डिवीज़न होना होगा, तो डीएनए भी डबल हो जाता है। डीएनए भी पहले डबल हो जाता है, फिर दोनों सेल में उतना उतना ही डीएनए चला जाता है, एक एक पार्ट, यानी कि डीएनए का अमाउंट कभी कम नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी लगभग सेम डीएनए होता है। एक और बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है, हमने कहा कि जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो डीएनए भी डुप्लीकेट होके डबल हो जाता है, यानी इस तरह से सेम टू सेम लगभग डीएनए एक और बन जाता है। लेकिन जब ये डीएनए डबल हो रहा होता है, कॉपी हो रहा होता है, एक और डीएनए बन रहा होता है सेम टू सेम, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ गलतियों की वजह से सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। वेरिएशन यानी चेंजेस, बदलाव। ठीक है, अलग अलग होना, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है दोनों में, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जब भी डीएनए डुप्लीकेट होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाएगा।
इसका मतलब जब भी मम्मी पापा से बच्चे बन रहे होते हैं, डीएनए डुप्लीकेट होता है और नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है। और उसी वेरिएशन के कारण जो बच्चों में कुछ ना कुछ अलग, माँ बाप से अलग, उसकी मदर फादर से अलग जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो इसी वेरिएशन इन डीएनए की वजह से होते हैं। क्योंकि डीएनए में वेरिएशन आया इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, ये हो गई वेरिएशन की बात। अच्छा, वेरिएशन क्या गलती से हो रहा है? डीएनए के डुप्लीकेशन के समय जो गलतियां हुई, उनसे चेंजेस आए, उन्हें हमने वेरिएशन कहा। तो क्या इस वेरिएशन से फ़ायदा है या नुकसान है, ये बात आप लोग सोचिए कि क्या चेंजेस से फ़ायदा है या नुकसान है। इन वेरिएशन से कभी कभी तो नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादातर ये वेरिएशन फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वेरिएशंस का होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्यों और कैसे समझते हैं, मान लेते हैं। मान लिया हमने कि यहाँ एक ये जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ से एक नदी जा रही है और यहाँ कुछ एनिमल्स, एक टाइप के एनिमल मानते हैं, अभी मान लेते हैं कि यहाँ कुछ डॉग्स रह रहे थे, कुछ डॉग्स रह रहे थे, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ कुत्ते यानी डॉग्स रह रहे थे, ठीक। एक दिन क्या होगा, अचानक से अब सभी डॉग्स एक जैसे नहीं हैं, कुछ में, सब में कुछ ना कुछ क्या है, वेरिएशन, सब कुछ ना कुछ अलग हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 100 डॉग्स हैं, किसी को तैरना नहीं आता था, सिर्फ दो ही थे जिन्हें तैरना आता था, सिर्फ दो को क्या आती थी, स्विमिंग, ठीक है, सिर्फ दो को आती थी स्विमिंग। दो में आया क्या, ये क्या हो गया, एक टाइप का ये वेरिएशन ही तो है कि किसी को तैरना नहीं आता था, उनमें से दो को तैरना आता था। हालांकि ये जो तैरना है, चलना है, ये सब नॉर्मली वेरिएशंस में काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद की सीखी हुई चीज़ें हैं। हम जो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं वो बाय बर्थ, जन्म से जो डिफरेंस होता है माँ बाप में और बच्चों में, उनकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ एग्जांपल है ये समझने के लिए कि 100 डॉग्स थे, उनमें से सिर्फ दो को स्विमिंग आती थी, और एक दिन यहाँ पे इस नदी से क्या आ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, सारे के सारे डॉग्स डूब कर मर गए और बचे सिर्फ ये जो स्विम कर सकते थे। ये 100 डॉग्स मर गए, उनमें सिर्फ 2 डॉग्स बचे, कौन से, जो स्विमिंग कर सकते थे। इसका मतलब ऐसे वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। वेरिएशन ज़रूरी कैसे हैं, इसलिए ज़रूरी हैं कि कभी कभी जैसे जो नेचुरल इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उनको बियर करने के लिए कभी कभी वेरिएशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जिनको ठंडे माहौल में रहना आता है और गर्मी में रहना नहीं आता है, और इनमें से कुछ लोग डीएनए के वेरिएशन के कारण, डीएनए डुप्लीकेशन के समय वेरिएशन के कारण म्यूटेशन हुआ, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स बन गए जिन्हें गर्मी में भी रहना आता है, ठीक है, गर्मी में भी रहना आता है। सबको कहाँ रहना आता था, ठंडे में रहना आता था, गर्मी नहीं सह पाते थे, अचानक से मौसम बदला और गर्मी आ गई किसी कारण से, और सारे ये लोग जो सिर्फ ठंडे में रह सकते थे ये मर गए, और सिर्फ गर्मी वाले ज़िंदा बचे जो गर्मी को सह सकते थे। इस तरीके से वेरिएशन हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंस होता है वेरिएशन का कि अभी तो माहौल सही है, कभी अगर
कोई नेचुरल इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए और वो फेवरेबल ना रहे, तो अगर कोई वेरिएंट नहीं होगा तो कोई नहीं बचेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा कि डीएनए यानी क्रोमोसोम्स कैसे सेल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा, वेरिएशन के इम्पोर्टेंस यानी आवश्यकता ज़रूरत के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। हमने बताया था रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। अभी अभी वहाँ पे हमने जो इरेज किया कि अगर सिंगल इंडिविजुअल से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल अकेला इंसान बच्चे अगर पैदा कर रहा है, अकेला कोई भी स्पीशीज़ है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो इंडिविजुअल मिलके रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल मिलके नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं यानी कि जिनके बॉडी में पूरी की पूरी मिला के, कुल मिला के सिर्फ एक ही सिंगल सेल ही होता है, उनमें रिप्रोडक्शन का मोड ज़्यादातर एसेक्सुअल वाला ही यूज़ होता है। यूनिसेल्युलर में ज़्यादातर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होता है और सेक्सुअल ज़्यादातर मल्टीसेल्युलर में यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स हैं जो एसेक्सुअल के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर की बात करें तो यूनिसेल्युलर जो हैं वो एसेक्सुअल यूज़ करते हैं और मल्टीसेल्युलर जो हैं वो सेक्सुअल यूज़ करते हैं। मल्टीसेल्युलर कभी कभी एसेक्सुअल भी करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली की बात करें ज़्यादातर तो यूनिसेल्युलर वाले एसेक्सुअल करते हैं, क्योंकि उनमें सिंगल सेल होता है। तो आगे हम जब पढ़ाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मॉड्स हैं, तो उससे समझ में आएगा कि यूनिसेल्युलर ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, सेक्सुअल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है हम देख लें। पहला हो सकता है फिजन। फिजन का मतलब होता है एक प्रकार से टूट जाना, एक सेल है वो टूट के दो सेल बना देती है। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन इसका मतलब भी होता है टूट जाना, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है जब इनको हम डिटेल में अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा होता है रीजेनरेशन, तीसरा होता है रीजेनरेशन, चौथा होता है बडिंग, BUDDING, बडिंग, चौथा होता है बडिंग, पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इधर लिख देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और छठा होता है स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर फॉर्मेशन। नाम देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी एक एक लाइन की चीज़ें हैं, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप लोग बस ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़न से। फिज़न होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें एक ही सेल होती है पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी का मतलब होता है एक सेल। अगर ये सेल डिवाइड करे, डिवीज़न करके दो सेल बना दे तो हो गया रिप्रोडक्शन, एक सेल से दो सेल बना, इसी को कहते हैं फिज़न, ठीक है। एक था, एक से दो बन गया, यानी पैदा हुए, जो नए हुए उन्हें हम कहेंगे ऑफ स्प्रिंग्स। अब इस तरीके से फिज़न कितने टाइप का हो सकता है? तीन टाइप का हो सकता है। फिज़न थ्री टाइप्स का हो सकता है, थ्री टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? बाइनरी फिज़न हो सकता है और मल्टीपल फिज़न हो सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि बाइनरी यानी एक सेल से दो सेल बनी तो बाइनरी। बाइनरी की अगर हम बात करें, BINARY, बाइनरी यानी बाय यानी कि दो, बाय यानी कि दो। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिज़न। और अगर एक सेल से दो से ज़्यादा सेल्स बन रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल, मल्टीपल यानी बहुत सारे, मल्टीपल फिज़न कहेंगे। तो बाइनरी फिज़न, बाइनरी यानी दो, मल्टीपल यानी कि दो से ज़्यादा। अगर एक बार डिवीज़न हुआ और दो ऑफस्प्रिंग बने तो बाइनरी फिज़न। अगर एक डिवीज़न में दो से ज़्यादा मल्टीपल्स बन गए, दो से ज़्यादा सेल्स बन गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फिज़न। अब बाइनरी फिज़न भी दो टाइप का हो सकता है। तो तीनों टाइप के बारे में हम बात कर रहे थे, लिख लेते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिज़न, तीसरा होता है मल्टीपल फिज़न। समझ गए होंगे मेन मेन चीज़ें हमने समझाई अभी, बाइनरी क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। एक बार फिर इनको हम समझा देते हैं, तीनों में एक साथ डिफरेंस क्या होता है ये बात समझा देते हैं। अगर ये एक सेल है, पहले की बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न, क्योंकि ये बाइनरी है इसका मतलब इसमें दो सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी? दो, एक से दो सेल्स बनेंगी। तो अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न है तो ट्रांसवर्स का क्या मतलब है ये भी हम समझा देते हैं। ये अगर सेल है तो इसमें चाहे किसी भी प्लेन से डिवीज़न हो जाए और दो सेल्स बन जाए, यानी कि अगर ये सेल है तो इसमें चाहे ऊपर से नीचे की तरफ डिवीज़न हो जाए, अगर ऊपर से नीचे ना हो तो लेफ़्ट टू राइट डिवीज़न हो जाए, कहीं से भी डिवीज़न हो जाए और दो सेल्स बन जाए आगे चल के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइनरी फिज़न। कौन सा वाला? ट्रांसवर्स वाला। बाइनरी फिज़न कौन सा वाला? ट्रांसवर्स वाला। किसी भी प्लेन से डिवीज़न हो सकता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ऑब्लिकली, किसी भी प्लेन से डिवीज़न हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न समझ में आ गया। अब बताते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न क्या होता है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न क्या होता है। अगर एक ऑर्गेनिज़म होता है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लेशमानिया, इसमें एक
फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू मूवमेंट होती है। विप लाइक फ्लैजिला होता है। विप यानी चाबुक, चाबुक यानी जिससे मारते हैं, ठीक है, चाबुक। विप लाइक उसी के जैसा, चाबुक के जैसा इसका फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए। इस लेशमैनिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो ये इसी को यूज़ करके हिला डुला के आगे बढ़ता है। तो अगर ऐसी बॉडी है, एक ही सेल की बॉडी है लेकिन इस तरह की दिखती है, तो उसमें कहीं से भी डिवीज़न नहीं कर सकते। अगर यहाँ से डिवीज़न करेंगे तो एक साइड चला जाएगा फ्लैजिला, दूसरी साइड फ्लैजिला नहीं रहेगा। तो इसमें हम मजबूर हैं कि हम डिवीज़न कहाँ से करें, हम डिवीज़न करें इस प्लेन से, हम डिवीज़न करेंगे इस प्लेन से, इस प्लेन से हम डिवीज़न करेंगे। तो अब जो नए लेशमैनिया बन के आएंगे, नए जो इसके बच्चे बन के आएंगे, वो इस तरह से होंगे, है ना। यानी हमारा डिवीज़न सही हुआ है, दोनों ऑफस्प्रिंग धीरे धीरे बड़े होकर इसके जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिवीज़न को जिसमें हम किसी भी प्लेन से डिवीज़न नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का प्लेन होगा, उसी से हमें डिवीज़न करना है। स्पेशल या स्पेसिफिक प्लेन से डिवीज़न करना है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गीट्यूडनल बाइनरी फिज़न। बात करें अब मल्टीपल फिज़न की, बता चुके हैं, दो तीन बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि अगर ये कोई सेल है और ये दो में ना डिवाइड करके एक साथ ही दो से ज़्यादा में डिवाइड कर जाए और इस तरह से चार सेल्स बन जाएं, दो से ज़्यादा कितने भी सेल्स हों, दो या तीन या चार कितने भी सेल्स हों, अगर एक से चार सेल्स बन गई तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिज़न कहेंगे। तो यहाँ पे फिज़न कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन की। एक लाइन की चीज़ है फ्रैगमेंटेशन को समझना। फ्रैगमेंटेशन को समझना यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई भी स्पीशीज़ है, ये कोई स्पीशीज़ है, ये हो गया इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। अगर ये बड़ा हुआ पहले और जब ये बड़ा होके मैच्योर हो गया, तो ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, अपने आप ही टुकड़ों में टूट जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस। जब ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया, तो ये खुद ही टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गया। ये ऑर्गेनिज्म था, ये ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ये ऑर्गेनिज्म था और ये ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जैसे ही मैच्योर हुआ, ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और हर एक टुकड़ा आगे चल के बिल्कुल इसके जैसा ऑर्गेनिज्म फिर से बना देता है, ठीक है। चार टुकड़े थे और चारों ने फिर सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म बना दिया। समझ में आया ये बात, फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूटना। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीस, पीस यानी टुकड़ा। तो ये ऑर्गेनिज्म था, मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, ब्रेक हो गया पीसेज में और हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। ये भी जब मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये फिर से टूटेंगे और फिर और ढेर सारे टुकड़े बनेंगे और उन टुकड़ों से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सेल्फ ब्रेकडाउन हुआ था, यानी जैसे ही सेल मैच्योर हुई, खुद का खुद ये टूट गया था।
नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रीजेनरेशन। ये बिल्कुल फ्रैगमेंटेशन जैसा दिखता है, बस एक डिफरेंस समझ लेना है हमें। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म हमने उठाया और चाकू से तीन चार टुकड़ों में काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। इसको हमने काटा है ब्लेड के थ्रू, हमने काटा है इसको ब्लेड के थ्रू, चाकू के थ्रू हमने ही इसे काटा है, ठीक है। ये चाकू लिया हमने और चाकू से इसको यहाँ से और यहाँ से काट दिया। अब जो ये बनेगा इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, और फिर से इसका हर एक टुकड़ा रीजेनरेशन यानी कि दोबारा से जेनरेट हो जाना, दोबारा से बन जाना। री यानी का, री का मतलब होता है दोबारा यानी अगेन, अगेन यानी दोबारा, और जेनरेशन का मतलब होता है जेनरेट हो जाना, जेनरेट हो जाना, रीजेनरेट, अगेन दोबारा से ये जेनरेट हो जाएगा। इसको हमने लिया था, टुकड़ों में काटा और वापस से एक एक टुकड़ा इसके जैसा ऑर्गेनिज्म फिर से बना देगा। तीन ऑर्गेनिज्म बन गए फिर से, सेम टू सेम, जब हमने तीन हिस्सों में इसको काट दिया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी टुकड़ों में टूटा और नए बन गए, फ्रेगमेंटेशन में भी और रीजनरेशन में भी वही चीज़ दिख रही है। फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ था, जैसे ही सेल मैच्योर हुई, जैसे ही सेल मैच्योर हुई, खुद का खुद टूट गई टुकड़ों में, इसको कोई काटने या तोड़ने नहीं आया था और ये नए इंडिविजुअल्स बन गए थे। यानी ये खुद ही इस तरह से करता है, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका ही यही है, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका यही है कि जब सेल बड़ी हो जाएगी तो टूट जाएगी और नए ऑर्गेनिज़म्स बन जाएंगे। जबकि रीजनरेशन की जब बात करें तो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका दूसरा होता है। लेकिन अगर किसी कारण से, अगर किसी कारण से ये टूट जाता है या कट जाता है या कोई आके काट देता है, ये खुद से नहीं होता है, यानी नॉट बाय सेल्फ, ये खुद से नहीं होता है। लेकिन अगर किसी और ने इसको ऐसा कर दिया या कहीं से अपने आप किसी तरीके से गिर के कहीं से या कुछ तरीकों से ये टूटा कटा, तो इसका हर एक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। यानी इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अपने आप होने वाला था वो ये नहीं था, लेकिन अगर ये टूटता है तो इस तरीके से ये बन भी जाता है। ये डिफरेंस हो गया फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। फ्रैगमेंटेशन में खुद से टूटा और नए ऑर्गेनिजम्स बन गए, रीजनरेशन में अगर किसी सिचुएशन में वो टूट जाता है, कट जाता है, तो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ये डिफरेंस हुआ फ्रैगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। एग्जांपल्स की बात करें, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो फ्रैगमेंटेशन होता है, ये जो फ्रैगमेंटेशन होता था, फ्रैगमेंटेशन जो होता था, ये होता है एक एल्गी में, जो आपको याद रखना है वो है स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा, SPIROGYRA, स्पाइरोगायरा में होता है फ्रैगमेंटेशन। और रीजेनरेशन की बात करें तो ये एक प्लैटीहेलमिंथ में होता है, प्लैटीहेलमिंथीज में होता है, उसका नाम है प्लैनेरिया। क्या नाम है? प्लैनेरिया। रीजनरेशन किस में होता है? ये होता है प्लैनेरिया में, और साथ ही साथ ये होता है हाइड्रा में भी, हाइड्रा में भी होता है। तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन का एग्जांपल हो गया प्लैनेरिया और हाइड्रा। जो फिजन की बात हम कर रहे थे वो लॉन्ग फिजन में हमने तीन पढ़ा था, ट्रांसवर्स फिजन पढ़ा था, ट्रांसवर्स फिजन पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल फिजन पढ़ा था और मल्टीपल फिजन पढ़ा था। तो ट्रांसवर्स फिजन का एग्जांपल क्या होता है? अमीबा।
ट्रांसवर्स फिजन का एग्जांपल होता है अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन का एग्जांपल मैंने उसी समय बताया था आप लोगों को, वो होता है लेशमानिया। लेशमानिया, लेशमानिया होता है, ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन का एग्जांपल हो गया लेशमानिया, और जो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा फिजन। फिजन में हमने पढ़ा बाइनरी फिजन दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स का एग्जांपल अमीबा जो किसी भी प्लेन से हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल लेशमैनिया। लेशमैनिया में क्या था? एक विप लाइक फ्लैजिला था। तो उसमें एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक ही प्लेन होगा जिससे हम डिवीजन कर सकते हैं, उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, वो होता है लेशमैनिया में। तीसरा था मल्टीपल फिजन, यानी एक बार में दो से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऐसा होता है प्लाज्मोडियम के केस में। फ्रैगमेंटेशन में हमने पढ़ा सेल जैसे ही मैच्योर होती है खुद का खुद कई टुकड़ों में टूट जाती है, और ऐसा ही हमने देखा स्पाइरोगायरा में। फिर रीजनरेशन में अगर हमने काट दिया या किसी वजह से वो टूट गया जो कि खुद से नहीं टूटना चाहता था, उसको एक एक पार्ट को रीजनरेट करके वैसा ही बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाना है, इस प्रोसेस को कहेंगे रीजनरेशन। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। अब हम बात करेंगे बडिंग की। बडिंग में क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें बाहर की तरफ एक ग्रोथ होगी, साइड से बाहर की तरफ एक ग्रोथ होगी, जैसा ये ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल वैसा ही एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी बाहर की तरफ ग्रोथ हुई, यानी कि आउट ग्रोथ। क्या कहेंगे इसे हम? आउट ग्रोथ। बाहर की तरफ हुआ आउट और ग्रोथ, बाहर की तरफ हुई क्या? आउट ग्रोथ। ऐसा निकल लग रहा है, कुछ निकल रहा है यहाँ से, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोट्यूबरेंस। बाहर की तरफ एक प्रोट्यूबरेंस निकली, और इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया बड। बड नाम क्यों दिया गया? ऐसा लगता है ये पेड़ है और इसमें से एक सिमिलर कली निकल रही है, तो इसका क्या नाम दिया गया? बड। और आगे चल के यही बड इससे डिटैच हो जाएगा, यहाँ से टूट के निकल जाएगा, यानी ये ऑर्गेनिज्म फिर पहले जैसा बचा रहेगा और यहाँ से एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म बन के निकल गया। यानी ये जो एक था अब ये दो हो गए, और ये वाला भी बड़ा होके सिमिलरली ऐसा ही बन जाएगा। तो ये भी रिप्रोडक्शन हो ही गया, इसमें एक थे और सिमिलर दो बन गए, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस थी? एक प्रोट्रूबरेंस लाइक आउट ग्रोथ हुई जिसका क्या नाम दिया? बड। तो बडिंग में क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, एक प्रोट्यूबरेंस लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसका क्या नाम होता है? बड। प्रोट्यूबरेंस लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसका क्या नाम होता है? बड। और वो बड डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है मेन बॉडी से, और एक नया सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसका एग्जांपल होता है बहुत ही फेमस हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा बहुत फेमस एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। ये क्या है? ये होता है हायर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोज़ हो गया, इन प्लांट्स में होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको वेजिटेटिव क्यों कहा? उस बात को इधर समझते हैं। अगर कोई प्लांट है उसमें दो टाइप के पार्ट्स होते हैं,
ये फ्लावर हो गया, प्लांट के फ्लावर में या पूरे प्लांट बॉडी में हम बात करें तो दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आगे सिमिलर नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाम से ही क्लियर है ये किस काम आएगा, रिप्रोडक्शन के काम आएगा। और जो पार्ट रिप्रोडक्टिव के अलावा बचा हुआ होता है, जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ से रिप्रोडक्शन होना है और वेजिटेटिव पार्ट जहाँ से रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसे कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में ये जो वेजिटेटिव पार्ट है इनसे भी नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, कुछ तरीकों से वेजिटेटिव पार्ट से भी नए ऑफस्प्रिंग बनाए जा सकते हैं कुछ प्लांट्स के केस में, इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है नए ऑफस्प्रिंग, यानी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाम क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है, ये तीन तरीकों से हो सकता है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, तीन तरीकों से हो सकता है, ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग और लेयरिंग। ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग और लेयरिंग, ये तीन तरीकों से हम लोग इन प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट से भी नए पार्ट बना सकते हैं। ये वो तीन तरीके हैं जिनसे हम लोग पुराने प्लांट से नए प्लांट्स बनाते हैं, तीन तरीके हैं जिनसे हम लोग पुराने पार्ट से नए प्लांट्स बनाते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग और लेयरिंग। एग्जाम्पल से याद करेंगे, जैसे रोज़ का, गुलाब का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, जो पौधा होता है रोज़ का, उसे हम ग्राफ्टिंग या स्टेम कटिंग या लेयरिंग के थ्रू नए प्लांट बना सकते हैं। जैसे रोज़ है, अगर ये रोज़ का प्लांट है तो इसका एक स्टेम का एक पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट कर देंगे, एक पार्ट हमने कट किया, ऐसे स्टेम का एक टुकड़ा लिया और इसको ले जाके ज़मीन में लगा दिया, इसने नया रोज़ का प्लांट बना दिया, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ ली, एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें लाल कलर के गुलाब थे, कैसे थे, रेड कलर के गुलाब थे, दूसरा ऐसा रोज़ लिया जिसमें कैसे थे, वाइट कलर के गुलाब थे, और दोनों को मिला के, दोनों के पार्ट्स मिला के, दोनों की सीड्स को मिला के हमने ग्रो कराया और नया प्लांट आया, और उस प्लांट में जो रोज़ था उसका कलर था पिंक, उसका क्या कलर था, पिंक। तो ये जो ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग और लेयरिंग है, ये तीनों तरीके ह्यूमंस कराते हैं, ये तीनों तरीके हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हमें पिंक कलर का रोज़ बनाना था, हमने रेड वाला लिया, हमने वाइट वाला लिया, दोनों को मिला के ग्राफ्टिंग कर दी, हमें पिंक वाला प्लांट बना लिया, हमें पिंक वाला प्लांट मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये तीन तरीके ह्यूमंस यूज़ करते थे, लेकिन प्लांट्स खुद से भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें यूज़ करती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, जैसे ब्रायोफिल्म के केस में क्या होता है, ब्रायोफिल्म के केस में क्या होता है, जो ये ब्रायोफिल्म है ये क्या करता है, ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स हैं, लीव के नीचे छोटे छोटे बड्स होते हैं, लीव के नीचे छोटे छोटे बड्स होते हैं, और जब ये लीफ ग्राउंड के कांटेक्ट में रहती है तो ये बड्स ग्रो करके नया प्लांट
बना देते हैं, ये रूट बना लेंगे नीचे की तरफ और ऊपर नया प्लांट बन जाएगा। ऐसा होता है ब्रायोफिलम में। तो इसमें कैसे हुआ? लीफ बड्स के थ्रू हुआ। लीफ के नीचे छोटे छोटे बड्स थे और उनसे नए प्लांट्स बन गए। तो इसमें भी रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ नहीं किया गया, वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑफस्प्रिंग बन गए। तो ये खुद से करता है प्लांट। ऐसा होता है ब्रायोफिलम के केस में, ऐसा होता है ब्रायोफिलम के केस में, ठीक है। दूसरा होता है राइजोम्स की बात करें, कभी कभी अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे ये स्टेम हो गया, ये रूट है, ये रूट है, ये स्टेम है, और स्टेम ही ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अंदर ही स्टेम ग्रो कर रहा होता है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर ही हॉरिजॉन्टली स्टेम ग्रो करेगा और आगे जाके नीचे की तरफ रूट बनाएगा, ऊपर की तरफ स्टेम बनाएगा। यानी पहले बगल में खिसक के गया साइड में और वहाँ पे नीचे रूट बनाया, ऊपर स्टेम बनाया, यानी एक नया प्लांट बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया, नया प्लांट बनाया। राइजोम्स कहते हैं इन्हें, जो हॉरिजॉन्टल, ये जो स्टेम हॉरिजॉन्टली जाता है इसे क्या कहते हैं? राइजोम्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने टोटली क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑफस्प्रिंग बनाना है तो उसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये होता है प्लांट्स के केस में, कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे कि एप्पल और रोज में हम कैसे करते थे? एप्पल और रोज़ में हमने ग्राफ्टिंग की, स्टेम कटिंग की और लेयरिंग की। एप्पल और रोज़ में हमने क्या किया? ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग और लेयरिंग, ये तो हमने कराए तीन चीज़ें, ये हमने अपने फ़ायदे के लिए कराई, ये उसका एग्जांपल है। और जो खुद से करते हैं प्लांट्स वो हैं ब्रायोफिलम और राइजोम्स के थ्रू। ब्रायोफिलम में जो लीफ बड्स होती हैं उसके थ्रू नए प्लांट्स बनते हैं, और राइजोम्स हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, इनके थ्रू होते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? दो एडवांटेजेस याद करने हैं, दो एडवांटेजेस याद करने हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, दो एडवांटेजेस याद करने हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। क्या क्या? जी, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से न्यू प्लांट्स बनते हैं, न्यू प्लांट्स बन गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, इनका क्या फ़ायदा होता है? एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात करें तो इनका क्या फ़ायदा होता है कि ये ग्रो करते हैं फास्टर। जैसे खुद से अगर होगा प्लांट, खुद से सीड बनाएगा और वो ग्रो करेगा, उससे बहुत स्लो ग्रो करेगा, और अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराएंगे तो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, प्लांट जल्दी से बड़ा होगा और जल्दी से फ्लावर्स देना शुरू कर देगा। ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से न्यू प्लांट्स बने हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं ओरिजिनल प्लांट के, ज़्यादा सिमिलर होते हैं ओरिजिनल प्लांट के, वेरिएशंस कम होते हैं। तो अगर हमें कुछ ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जिनमें हम चाहते हैं कि वेरिएशंस ना हो, कम हो, तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराएंगे। अगर हम कुछ पौधों को चाहते हैं कि जल्दी ग्रो कराएं, ढेर सारे बना लें, एक से ही 10 प्लांट जल्दी से बना लें, तो हमने एक प्लांट ग्रो कराया, उसके स्टेम की ढेर सारी कटिंग करी और हर जगह उसे लगा दिया। हमने इंतज़ार नहीं किया कि ये खुद से रिप्रोड्यूस करेगा तो नए प्लांट्स बनेंगे आसपास, नहीं, हमने इसके स्टेम को काटा और ढेर सारे पास में ही लगा दिया, तो एक से हम 10 प्लांट्स बना लिए, एक से ढेर सारे प्लांट्स बना लिए, यानी ये ग्रो फास्टर हो गया और ये सिमिलर होंगे। और इसके इसका एक और फ़ायदा क्या है? जो हम ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग से करते हैं, स्टेम कटिंग से दिखी गया कि एक से एक प्लांट था, 10 टुकड़े किए फटाफट और 10 प्लांट बना लिए। ग्राफ्टिंग से क्या हुआ? हमें अपने मन का कलर मिल गया फूल का, हमने रेड को
और वाइट को मिलाया, हमें पिंक मिल गया। तो नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू। ये फ़ायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ये फ़ायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। और लास्ट में हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। 6 हमने पढ़े थे, 6 एग्जांपल लिखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 6 एग्जांपल लिखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 5 हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में 6th पढ़ेंगे हम, क्या नाम है इसका, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं क्या होता है। जो प्लांट होता है उसमें एक बॉडी निकलती है जिसका नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, स्पोर को स्टोर करने वाला, स्पोर को कलेक्ट करके रखने वाला एक बैग होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक झोला होता है जिसमें स्पोर्स भरे हैं, उसे क्या कहा हमने, स्पोरेंजिया। उसे हमने क्या कहा, स्पोरेंजिया कहा। स्पोरेंजिया में अंदर होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स की क्या खास बात है, स्पोर्स क्यों बनाए जाते हैं, स्पोर्स बनाए जाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर सकें। प्लांट मान लेते हैं कि ये प्लांट गर्मी के सीज़न में यानी समर सीज़न में ग्रो नहीं कर पाता, समर में ये ग्रो नहीं कर पाता, तो ये प्लांट क्या करेगा। समर में अगर कोई ये वाला प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं करता तो सारे ये वाले प्लांट समर में मर जाएंगे, तो फिर बाद में ये ग्रो कैसे करेंगे। तो ये क्या करते हैं, स्पोरेंजिया बनाते हैं जिनमें स्पोर भर देते हैं, स्पोर को ये कवर कर देते हैं खूब मोटी सी कवरिंग के साथ, स्पोर को ये खूब प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं यानी जानते हैं कि गर्मी आने वाली है, हम मर जाएंगे, हमारा स्पोर जिंदा रहना चाहिए, उसको क्या करते हैं, थिक यानी बिल्कुल मोटी सी कवरिंग में बंद कर देते हैं, खूब मोटी सी कवरिंग में बंद कर देते हैं स्पोर को। किसको, स्पोर को। स्पोर को खूब मोटी सी कवरिंग में बंद कर दिया और स्पोर पड़ा रहेगा ज़मीन पर, गर्मी आई ये प्लांट्स मर गए। और जब गर्मी ख़त्म हुई तब ये जो स्पोर था अब ये ग्रो करके, क्योंकि अब गर्मी ख़त्म हो चुकी है, अब आ गया विंटर, तो ये प्लांट फिर से ग्रो कर सकता है। अब ये स्पोर वापस से यही प्लांट बना देगा जो था, अगर स्पोर ना बनाता तो आगे इसकी जनरेशन ना बन पाती, गर्मी में सब के सब मर जाते, वापस से ठंडी आती लेकिन ग्रो करने के लिए कोई नहीं रहता। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन का फ़ायदा। इसका एग्जांपल होता है राइजोपस, तो आज के लिए इतना ही था, आज हम सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 तरीके पढ़े हैं हमने, इसको आप ढंग से रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।